प्रभु आपका। मेरा नाम मनोज। पूरा नाम क्या है भैया? मनोज कुमार जांगिड़ जी। कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान से। राजस्थान से हो तो यहाँ कैसे पहुँचे आप? सर दिमाग कैसे टेंशन में हो गया बहुत ज़्यादा, ये क्रेडिट कार्ड की वजह से, ये बिल क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दे पा रहा। अच्छा, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया इसमें, तो इस वजह से परेशानी की वजह से। हाँ जी। कौन कौन है आपके घर में? मम्मी है, घरवाली है, बच्चे हैं। सभी लोग हैं? तो क्या घर छोड़ के आप आ गए? हाँ, घर छोड़ के आ गए। क्यों, ऐसे क्या सिचुएशन? कितना कर्जा हो गया आपका? 6-7 लाख का, 7 लाख, 7-8 लाख का होगा करीब। 7-8 लाख कर्जे में आप घर छोड़ दिया? काम धंधा इस टाइम बंदा हुआ पड़ा, काम धंधा नहीं है इस टाइम। अच्छा, कि कौन सा काम करते हो आप? कारपेंटर का। कारपेंटिंग का काम करते हो? अच्छा, मतलब यहाँ भावनगर कैसे पहुँचे आप महुआ में? सर मैं तो ट्रक से बैठ के आ गया, वहाँ से तो ट्रेन से आ गया था, ये क्या बोलते हैं, सूरत। अच्छा, सूरत। फिर यहाँ से मैं एक ट्रक में आ गया, ट्रक वाले के साथ। हाँ, आपको पता था यहाँ पे मतलब कैसी सडनली आ गए? नहीं, आपके यहाँ पीछे आ रहा था मैं पैदल, जब उन्होंने बताया था। कितने दिनों से घर से भटक रहे हो? 6 दिन हो गए सर। मेरे को खाना तो, मेरे को अभी भूख नहीं लग रही, वैसे खाना 3 दिन से तो मैंने कुछ नहीं खाया। क्या, 3 दिन से तो कुछ नहीं खाया मैंने? 3 दिन से कुछ नहीं खाया? अरे बाप रे, 3 दिन से तो मेरे को भूख लग ही नहीं रही, अब भी भूख नहीं लग रही। क्यों, पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो घर से कितने दिनों में निकले हुए? 3 तारीख को निकला था मैं। 3 तारीख को निकले? घर वालों को पता है आप घर छोड़ के चले गए हो? पता है उनको, तो मैं उनके सामने आया था। तो क्यों ऐसा, मतलब कोई झगड़ा हो गया था? थोड़ा मैं पीने लग गया था, फिर उसमें खत्म। अच्छा, दारू पीते थे? अच्छा, दिल में जो भी है आप बोलिए, आप बोलोगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपके घर वाले जो भी कुछ शायद देख। मैं तो ये कहता हूँ, कोई लोग बाग आप क्रेडिट कार्ड के इस जाल में फंसते हो ना फंसे, कोई बच्चे भी, नए बच्चे फंस, आजकल बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के बारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये अपनी मौत को दावत देने वाला काम। पूरी ज़िंदगी क्रेडिट कार्ड ने खराब कर देते हैं ना? इतना तो कुछ ख़राब होता नहीं, शायद आपके पास नॉलेज नहीं होगा, शायद इसलिए भी हो सकता है। नहीं नहीं जी, 10,000 रुपये डेली कमाने वाला भी इसमें बर्बाद हो जाएगा, ये बनाते बनाते बनते बनते वो भी बर्बाद हो जाएगा। मैं भी 5-10 हज़ार रुपये कमाता था मैं भी डेली के, मेरे पास भी वर्कशॉप है, 5-10 हज़ार रुपये डेली कमा लेता था, पर अब हिम्मत नहीं है शरीर में। क्यों रो रहे हो? टेंशन की वजह से सर, घर छूट गया। चलो कोई बात नहीं, आप अंदर आइए, कोशिश करेंगे भगवान आपको एक सही रास्ता दे, और आपकी बस अब रोइए मत, बहुत सही जगह पे आए हो, भगवान आपको बहुत भला करेगा, बरोबर। आइए हम पहले फ्रेश होते हैं, अंदर जाते हैं, और आपने जो खाना नहीं खाया तो वो भी सब कुछ। खाना तो सर मैं भूख नहीं लगी, खाना तो रहने दो, खाना नहीं खाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, साथ में खाएंगे, मज़ा आएगा। खाना तो रहने दो, भूख नहीं लगी। चले दोस्तों, कोई बात नहीं, आज सोशल मीडिया के माध्यम से भाई की जिस तरह से हालात है, वो जो बता रहे हैं कि 3 दिन से, पिछले 3 तारीख से वो घर से निकले हैं, और क्रेडिट कार्ड ने उनकी पूरी दुनिया बिगाड़ दी है। हो सकता है, मुझे तो क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ पता ज़्यादा है नहीं, सही है गलत है मुझे भी नहीं पता है, बट भाई जिस तरह से बता रहे, हो सकता है इतना भी ख़राब ज़िंदगी हो सकती है किसी की, बट उनकी बेटर लाइफ के लिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं। चलिए भैया, आप रोइए मत, अभी आंसू पोंछ दीजिए। कुछ नहीं होगा, चलिए आ जाइए। आप ये जो देख रहे हो ना बिल्डिंग, ये बिल्डिंग आपको दिख रही है जी? अभी तो वैसे रात हो गई है, ज़्यादा कुछ अच्छी तरह से नहीं दिखेगी, बट जो लोग रोड पे रहते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, बिल्डिंग का नाम ही है सोशल मीडिया आश्रम। जो भी लाखों लोग देख रहे हैं ना, उनके साथ और सपोर्ट से, ईश्वर की कृपा से हम बना रहे हैं, और बस यही कोशिश करते हैं कि जो भी आप जैसे कोई व्यक्ति रहता है, उनको एक सही दिशा मिले। और अभी आपको जो समझ सकती आई है, शायद आने वाले टेंशन हो जाती है सर, गलत गलत विचार आते हैं, क्या बताएं, ज़िंदगी ख़राब कर ली सर मैंने, मेरा अच्छा वाला काम था, ये क्रेडिट कार्ड की वजह से मेरा ज़िंदगी ख़राब हो गया सारा। कितने क्रेडिट कार्ड है आपके पास? 10। 10, चले कोई बात नहीं, पहले हम बारिश चालू हो, उधर बैठ के बात करते हैं, आ जाइए, पहले हम फ्रेश हो जाते हैं, बरोबर, आ जाओ इधर, बैठा दूँ, इधर इधर बैठो, ये बैग यहाँ बैठो, इधर बैग रख दो, इधर बैठ जाओ, अभी पहले है ना, फ्रेश हो जाओ आप, ठीक है।
नहाए नहीं हो, अच्छे कपड़े पहन लो, सुबह नहा लूंगा। अब तो कोई ठंड, अब तो बारिश हो रही है, गर्म पानी आ रहा है ना, बारिश हो रही है, अब तो सुबह नहा लूंगा। कोई अरे नहीं, कोई ऐसा मैं गंदा भी नहीं हूँ इतना भी, तो सुबह नहा लूंगा। नहा धो लोगे सब गंदगी निकल जाएगी, नींद अच्छी आ जाएगी, ये भीग जाएंगे पैर, थोड़ा मेरा क्या है पैर भी सूजन आ रहा है ना, ये पैर में क्या हुआ, घाव हो गए, शुगर है मेरे, घाव हो गए, जल गया था ये। अच्छा, आज पता चला ना रोड पे रहना कितना मुश्किल है, हैं जी जी। आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड है दिखाओ, आपके पास है अभी कुछ क्रेडिट कार्ड है ना, बताओ। पर यूज में नहीं ले रहा, आपके फैमिली का कोई मोबाइल नंबर कुछ नंबर, फ़ोन में है सर, मेरे वैसे ध्यान नहीं है, मेरे फ़ोन में है सारे ये सब क्रेडिट कार्ड है। अच्छा अच्छा, ऐसे एटीएम के जैसा ही आता है ना ये जी। अच्छा, इंडियन ऑयल मतलब है, ये पेट्रोल पंप पे बना देते हैं, पेट्रोल डलवाओगे ना जब वहाँ बना। अच्छा, पेट्रोल डलवाने जाते वहाँ पे। अच्छा, मेरे पास भी लोग आए थे आपको सर क्रेडिट कार्ड बनवाना है, सही है दोस्तों। ये बाइक के पास इतने सारे क्रेडिट कार्ड है, आप देख सकते हो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस। कितने पैसा है इसमें उठाए हुए आपने? ये तो करीब तीन चार लाख, चार तीन लाख रुपए करीब उठा दिए, और बाकी और पर्सनल लोन हो रहे, दो दो पर्सनल लोन। अच्छा, इसमें ही सब उठाया है। हाँ। अच्छा, बस दोस्तों ये डिजिटल युग में कभी कभार हमारी छोटी सी गलती, पैसे की लालच आदमी को बर्बाद कर देती है, और ये बर्बादी का कारण भी आपके सामने ही है एग्जाम्पल, क्या से क्या हो सकता है। अभी आपके परिवार का कोई कांटेक्ट, कोई मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर में मेरे मोबाइल चुर गया ना, वो गाड़ी में ट्रेन में मेरा मोबाइल चुर गया ना, तो उसमें मेरे नंबर है सारे, मोबाइल भी चोरी हो गया। हाँ, वैसे याद नहीं मेरे को, सुबह सो रहा था ना मैं रात में, तो कुछ किसी ने निकाल लिया जेब में से। किसने? पता नहीं किसने, ट्रेन में सो रहा था तो इस जेब में से गिर गया नीचे, निकाल लिया। ये तो अंदर की जेब में रखता हूँ मैं इनको, तो अच्छा ये निकाल। इतने पहले आप है ना मस्त गर्म पानी से फ्रेश हो जाओ, मेरी बात समझो, और खाना खा लो, दवाई दे देते हैं, आप फ्रेश हो जाओ, हम कल सुबह बात करते हैं, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, चले दोस्तों कोई बात नहीं, अभी मस्त भाई फ्रेश हो जाएंगे, खाना बना खा लेंगे, हम सुबह ही डायरेक्ट बात करते हैं, अभी रात ज़्यादा हो गई है। और बस इस एपिसोड को अंत तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप अपनी जिंदगी में कितने सुखी हो, कितने संपन्न हो। बस यही कहना चाहते हैं, वीडियो बनाने का मकसद भी हमारा इतना है कि कोई व्यक्ति ऐसे परेशान होता है अपनी जिंदगी से, तो उनको सहारा दीजिए। हो सकता है एक हाथों से कभी ताली नहीं पड़ सकती है, बट भाई का भी काफी भाई को कल हम रात के मिले थे, और ऐसे ही सडनली रात के टाइम सुबह हो चुके हैं, और जिस तरह से भाई ने अपनी कहानी को शेयर किया था, उसकी पूरी जिंदगी बहुत ही उतार चढ़ाव के साथ रही है। कुछ नहीं, अभी थोड़ा समय खराब है, थोड़ा बोला नहीं जा रहा है। बरोबर, यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, आपके परिवार के साथ आपकी बात हुई कि हुई नहीं? अभी नहीं हुई। कोई कांटेक्ट वगैरह है आपके पास? वो मिल नहीं रहा, स्विच ऑफ आ रहा है, मिला था अभी, स्विच ऑफ आ रहा है, वो है। कोई आपके पास मोबाइल नंबर है किसी का? हाँ है, उस एक नंबर था मेरे, वो स्विच ऑफ आ रहा है। क्यों रो रहे हो? आप एक सही जगह पे अभी हो, बार बार आप अपनी परिवार की याद आ रही है ना? है? परिवार की याद आ रही है, परिवार की याद आ रही है। चलो मैं सभी लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आपके घर तक वो जल्दी से जल्दी, आपको घर वाले जो भी कुछ आपके घर में देखा हो रहा है सब ठीक हो जाएगा। कहाँ पे है आपका घर अभी? राजस्थान अलवर में है। राजस्थान अलवर में, थोड़ा जोर से बोले, अलवर राजस्थान, अलवर राजस्थान में, अलवर अलवर राजस्थान। बरोबर, वहाँ पे कौन सा सोसाइटी, एड्रेस वगैरह कुछ? विजय मंदिर रोड शक्ति नगर है, विजय मंदिर रोड शक्ति नगर, विजय मंदिर रोड शक्ति नगर। कौन सा नंबर, घर नंबर? A7। A7, वहाँ पे कौन कौन है अभी? मम्मी है, घरवाली है, भाई है, अच्छा, बच्चे हैं। तो आपसे शायद कुछ परेशानी होगी घर वालों को, क्या परेशानी है? घर वालों को परेशानी है, मैं खुद ही थोड़ा दिक्कत हो गई थी क्रेडिट कार्ड की वजह से, लेने से कर्जा वगैरह वो हो गया था थोड़ा सा, तो दिक्कत हो गई थोड़ी। तो पैसे का कहाँ पे आपने इस्तेमाल किया, कोई गलत जगह पे इस्तेमाल किया है? घर में वो काम धंधे में कर दिया था, अब काम धंधा इतना चल नहीं रहा,
दिक्कत थोड़ी हुई। पैसा कहीं पे लगाया था आपने? कहाँ पे? काम धंधे में लगाया। काम धंधे में ही लगा, तो गलत काम में तो यूज नहीं किया। काम गलत, तो फिर घर वाले आपसे क्या प्रॉब्लम है फिर? सर थोड़ी हमें दारू पानी पीने लग गया था, इस वजह थोड़ी दिक्कत हो गई। दारू पी के आप हैरान करते होंगे सबको। रात तक अब दिक्कत होती, जब टेंशन में पीने लग गया था। वैसे मैं कोई तंबाकू बीड़ी चोरी सिगरेट कुछ नहीं पीता हूँ। ऐसे ही सडनली चालू हो गया। चले कोई बात नहीं, भगवान बहुत ही अच्छा कर देगा। अभी लाखों लोग आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि वो कैसी चीज़ है। काफ़ी लोग उनके पीछे हावी होते हैं या फिर काफ़ी फायदा रूप भी है उसमें, तो कोई फायदा नहीं, लाभ और गैर लाभ क्या है? कोई फायदा नहीं है लेने से। बच्चे आज के टाइम बहुत आत्महत्या कर रहे हैं ये लेने से। लेने के बाद इनको पता लगता है क्या होता है, कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। चाहे 10,000 रुपये डेली कमा लो, फिर भी कर्ज के बोझ में दबते ही चले जाएंगे इसके। क्या सिस्टम रहते हैं क्रेडिट कार्ड की? अगर पेमेंट ड्यू हो गया तो बहुत 50% 60% पेनल्टी लगा देते हैं एक दो पे। तो उसमें कितने परसेंट पे आपको, कितने ब्याज के ऊपर आपको पैसा मिलता है? 3.5% ऐसे मिलता है। जितना आप यूज में लोगे उतना इससे खर्चे बढ़ जाते हैं। वो देते जाते हैं एक ऊपर एक क्रेडिट कार्ड, फिर आपके खर्चे बढ़ जाएंगे ज़्यादा, अनाप शनाप खर्चे करने लग जाओगे आप। फिर उनका पैसा नहीं दिया जाएगा आपसे, फिर पेनल्टी लगा देते तो बहुत ज़्यादा। आपसे कितने पैसे से शुरुआत करी थी? मेरे को तो पहले 35,000 का दिया था। 35? कितना उसके बाद पहले? देते 3 साल हो गए। 3 साल हो गया, 3 साल से। फिर उसके बाद देते बड़ा कई दे दिए मेरे को। ऑफर करते हैं वो, उनके उसमें चंगुल में फंस जाते हैं। फिर बाद में दिक्कत ही दिक्कत होती चली जाती, फिर इतना कमाई नहीं रहती, उतना उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। फिर जो ये काम करता नहीं है वो डरता है, वो तो दिमाग खराब हो जाता है उसका। जो चोरी चकोरी आदमी होता है वो तो कर लेता है, हेरा फेरी। पर अपन जैसे को आदत नहीं है ना हेरा फेरी करने की, तो अपन को तो डर लगता है। फिर बाद में एक बार तो फंस जाते हैं पहले। चलिए कोई बात नहीं, अभी आप परेशान मत होइए। जब तक आपका परिवार मिल जाए और आप यहीं पे रह सकते हो, और आपको जो भी अंदर आपके अंदर जो कारपेंटर की कला है, शायद यहाँ पे आश्रम जो बन रहा है हमारा, अभी आने वाले टाइम पे दरवाजा और बारी का काम होने वाला है ये पूरे बिल्डिंग के अंदर, तो उसके अंदर भी हमें मजदूर भाइयों की जरूरत पड़ेगी, तो शायद उसमें भी आप हमें मदद बन सकते हो। और आपकी जो भी कुछ आमदनी है वो भी हम आपके जो भी कुछ है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, बराबर जी सर। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, जिस तरह से भाई ने बताया कि क्रेडिट कार्ड जब आप स्वाइप करते हो या फिर जब भी आप सामने से ऑफर मिलते हैं, तो वो सामने से उनका तो वो काम है, बैंक से हो या फिर कहीं अलग अलग कंपनी से, तो मोस्ट ऑफ प्रायोरिटी यही रखे तो भाई वो झमेले में आप मत जाइए। जो क्रेडिट बनानी है तो खुद की क्रेडिट बनाओ, जिसके माध्यम से आपको और इंसान इंसान के काम में आए, और शायद एक कंपनी के बिहा पे आपको डिपेंड ना रहना पड़े। बस यही कहना चाहते, बाकी तो आप समझदार हो सभी लोग, खास करके बच्चे जो कम उम्र के हैं, 18 साल 19 साल, जो इस जवानी के जोश में आके पैसे की लालच की वजह से बहुत ही मुसीबत में फंस जाते हैं। घर वालों को भी नहीं कह पाते हैं, नहीं कोई और लोगों को कह पाते थे। अभी रात के टाइम पे भाई बता रहे थे, जब हम बात कर रहे थे कि कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली भाई आपके एरिया में? हमारे वहाँ तो 20-25 ने कर दिया, हमारे वहाँ तो 20-25 लोगों ने। बस दोस्तों बस यही बात है कि जब आप मुसीबत में पड़ जाते हो, आपके पास कोई रास्ता नहीं रहता है, तो खास तौर पर इस सब झमेले में मत आइए। और अभी आप ये देख पा रहे हो सोशल मीडिया आश्रम, जो हमारे सबके साथ और सपोर्ट से और ईश्वर की कृपा से पूरा जो मैनेजमेंट यहाँ पे जो हो रहा है, बस ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। आने वाले दिनों में दोस्तों आपके साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अभी दरवाजा का काम जो सभी रूमों के अंदर, डॉर्मेट्री के अंदर जो होने वाला है, उनके अंदर हमें आपके साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कोई भी मेरे भाई किसी भी तरह का जो सहयोग देना चाहता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट देने के लिए आगे आइए। आपका जितना भी सहयोग है हमें बहुत ही मदद रूप बन सकता है, और आने वाले दिनों में और अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। चले भैया आप टेंशन मत लेना, बरोबर हम आपके साथ हैं, और आपको परिवार वाले जो आपसे प्रॉब्लम है तो शायद हम बात करेंगे उनसे, और कोशिश करेंगे कि आप अपने घर में वापस पुनर्स्थापित हो और परिवार के साथ रहो, खुश रहो, बरोबर। आप टेंशन मत लीजिए, हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार सपोर्ट देते रहिए। जय हिंद।